बड़वानी पार्टी से सब्जी बेचकर लौट रहे सजवानी निवासी सब्जी दुकानदार से नानी बड़वानी के पास तीन अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सजवानी निवासी दिलीप ने आज बड़वानी थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। दिलीप के अनुसार वो पार्टी गया था सब्जी बेचने और वापस लौटते समय बड़वानी के पास नानी बड़वानी में तीन युवकों ने उन्हें रोक कर पैसे की मांग की, जिस पर दिलीप ने उन्हें 200 रुपये दे दिए, जिसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे 7,500 रुपये नकद सहित 7,000 कीमत का मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने दिलीप की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार दिलीप की शिकायत के बाद पुलिस तीन बदमाश युवकों की तलाश कर रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप कहाँ रहते हो? सजवानी। क्या हुआ आपके साथ? मैं सर घर लौट रहा था, रात का टाइम था, तीन अज्ञात लोग आए मेरे सामने, मारपीट की और 7,000 रुपये थे वो भी छीन लिया और मोबाइल वीवो कंपनी का था वो छीन लिया। कितने का मोबाइल था? मोबाइल 7,500 का। कहाँ गए थे तुम और कहाँ से आ रहे थे? मैं पाटी बोकराटा रोड पे गया था सब्जी भाजी बेचने के लिए। कहाँ पर तुम्हारे साथ घटना हुई? नानी बड़वानी तीन खंबे के पास। कितने लोग था सामने वाले? दो वयस्क थे, एक नाबालिग था। क्या मारपीट भी करी इन लोगों? मारपीट करी, सर में चोट आई दो जगह। मोबाइल कितने का था? 7,500। थाने पर शिकायत की है? यस। क्या बोला? क्या रिपोर्ट दर्ज हो गई है, आपकी कार्रवाई जारी है। ये अभी सजवानी निवासी दिलीप सांवले, इन्होंने थाना आकर एक लिखित में शिकायत की है कि ये रात में, जब रविवार रात 7 तारीख को अपने घर आ रहे थे, तो सजवानी में आते समय तीन लोग जो इसको रास्ते में मिले, उन्होंने उससे कुछ पैसे की मांग की, तो दिलीप फरियादी जो था उनने 200 रुपये उसको दे दिए, फिर और कुछ पैसे मांगने लगे और जब उसने देने से मना किया तो उसका जो 7,000 रुपये थे और मोबाइल ये उन लोगों ने छीन लिया है। तो ये मामला जो है शिकार ले लिया, इसको अब आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, उसने छीना झपटी बताया कि छीना झपटी करके ले रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।